जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 सॉल्यूशंस, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 को हम डिटेल से डीपली SLO कंसेप्ट के बेस समझेंगे और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो चैप्टर 6 में आपको SLO के अकॉर्डिंग आपको काम आएंगे पेपर के लिए। मुलेरिटी के हम न्यूमेरिकल करेंगे, मूल्स के हम जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे, और मुलेरिटी का अगर आपको फार्मूला गिवन है और वहाँ से आपको मैथ कैलकुलेट करने को कह दिया जाए तो उसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, और फिर प्रिपेयर सॉल्यूशंस वाले मैट्रिक के लिए के भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए इस चैप्टर की, एंड देन हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। अच्छा, सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या है, मैं आपको बताऊं कि सोल्यूशन से आपका डेली लाइफ में पहले मुख्तलिफ सूरतों में वास्ता पड़ा है, जिसको आपने शायद कभी नोट ना किया हो। सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि आपके बुक में जिक्र है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, ठीक है, ये भी एक सोल्यूशन होता है। सिरप जो होता है ये भी एक सोल्यूशन होता है। जूसेस जो होते हैं ये भी एक सोल्यूशन है। ये जो आप मिल्क शेक बनाते हैं ये भी एक सोल्यूशन है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में सॉल्यूशंस के साथ आप इनकाउंटरिंग करते रहे हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। आज आपको जस्ट केमिस्ट्री जो है ये बताने जा रही है कि सॉल्यूशंस की एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए और सॉल्यूशंस के लिए कौन सी चीज़ें फंडामेंटल है। क्या कहता है कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब हमारे पास दो तरह के मिक्सचर है जो आपने पढ़े हैं, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, अदर इज हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है जहां पे सब्सटेंस की एक ही फेस होती है, सेम फेस होती है। सेम फेस से मुराद क्या, आप अगर ग्लूकोज को पानी में डालें तो फेस क्या बनेगा, थ्रू आउट द सॉल्यूशन के अंदर वन उसका कलर आएगा, पानी में मिसिबल हो जाएगा, एंड देन एक सिंगल फेस कलर आएगा। सेम आप शुगर को पानी में डालें, डिजॉल्व होने के बाद मिसिबल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, एंड दैट फेस आप वो कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसी हिसाब से आप साल्ट को पानी में डालो, आप जो गर्मियों में ज्यादातर आप जामेश्वरी यूज करते हो उसको पानी में डालो, पानी के अंदर उसका रंग रिएक्ट होने के बाद आ जाता है, एक सिंगल फेस कलर आ जाता है पानी में। उससे मुराद ये होती है कि ये वन फेस सॉल्यूशन है, यानी होमोजीनियस फेस सॉल्यूशन है। तो ऐसे सब्सटेंस जो टोटली पानी के अंदर मिसिबल हो जाए, डिजॉल्व हो जाए और उसका एक फेस पानी पे चढ़ जाए, वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सैंड को उठा के पानी में डालूं क्या वो डिजॉल्व होगा, बल्कि अगर आप ग्लास का बना हुआ, ठीक है, ग्लास का बना हुआ बीकर यूज करें और पानी उसके अंदर पड़ा हुआ और आप सैंड डालो तो आपको बॉटम में क्लियर कट सैंड की एक लेयर नजर आएगी, जो कि ये बतलाएगी आपको कि ये जो मिक्सचर होने जा रहा है दैट इज हेटरोजीनियस नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस की निशानी ये होती है कि जब आप सब्सटेंस को पानी में डालते हो, डिजॉल्व करते हो, तो या तो पूरा कलर मिसिबल हो जाता है पानी में, ठीक है जी, पूरा कलर पानी के ऊपर आ जाता है, या फिर वो चीज पूरी पानी में डिजॉल्व होने के बाद डिसअपीयर हो जाए, तो ये होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। या डिसअपीयर हो जाए डिजॉल्व होने के बाद, या पानी में पूरा कलर आ जाए, जैसे जामेश्वरी का, ग्लूकोज का, टैंक का आप डालते हो पूरा कलर आ जाता है पानी में, मींस के होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आपके पास हेटरोजीनियस मिक्सचर कई हो सकते हैं, जैसे अगर आप ऑयल जो आप बालों में लगाते हो पानी में डालो, यू विल ऑब्जर्व कि ऑयल ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। तो ऑयल प्लस वाटर का जो मिक्सचर बनता है वो भी हेटरोजीनियस मिक्सचर बनता है। शुगर प्लस सैंड का जो मिक्सचर बनता है, चीनी को सैंड में डालो हेटरोजीनियस मिक्सचर बनता है, साल्ट को सैंड में डालो हेटरोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, होमोजीनियस मिक्सचर, नॉट अ हेटरोजीनियस मिक्सचर। तो कह रहा है कि आप सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सेम फेस मिक्सचर, सेम फेस मिक्सचर। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिहाज से जैसा कि हमने दो टाइप्स पढ़ी, होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं आपको एग्जांपल के लिहाज से देख ले। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर,
थर्ड वन इज ग्लूकोज प्लस वाटर. स्टूडेंट्स ये तीनों मिक्सर कौन से हैं आपके पास? होमोजेनियस मिक्सर. अगर मैं इसको लिक्विड इन लिक्विड में देखना चाहूं तो लिक्विड इन लिक्विड में फिर आपके पास एक थर्ड टाइप का मिक्सर आएगा, दैट इज अल्कोहल इन वाटर. फोर्थ वन अल्कोहल इन वाटर. अल्कोहल भी पानी में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है, यानी होमोजेनियस मिक्सर बनता है अल्कोहल का. तो देयर इज अ फोर्थ टाइप ऑफ मिक्सर. ठीक है, ये लिक्विड इन लिक्विड है, ये भी आपके पास सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है. क्लियर? तो है ये तीन चारों के चारों होमोजेनियस मिक्सर. क्या है? इसलिए ये क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर. अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है आप सब्सटेंस. जाहिर सी बात है जिन चीजों को मैं मिक्स करने जा रहा हूँ वो भी सब्सटेंस है. क्या है? सब्सटेंस है. सॉल्ट भी एक सब्सटेंस है, वाटर भी एक सब्सटेंस है. तो कहता है कि ऑफ सब्सटेंस दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म कहते हैं एक जैसा, एक जैसा. एक जैसा मींस के अगर आप एक चीज की मिकदार दूसरी के हिसाब से एक जैसी रखें उसको कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्सटेंस के 10 मोल ले लिए और अगली सब्सटेंस का एक मोल लिया हुआ, दैट इज नॉट अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जब आप दो चीजों को एंटीडेक्ट कर रहे हैं, एक चीज के लिहाज से दूसरी चीज की मिकदार बढ़ाना यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाता है. आप जैसे सालन के अंदर या सॉल्यूशंस के अंदर हस्बैंड टेस्ट या कलर के थ्रू ऐसा यूनिफॉर्मली मिकदार बढ़ाते हैं चीजों की. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम आपके हाथ में मसाले का एक पैकेट है सारा डाल दिया. नो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हस्बे जाकर या टेस्ट के थ्रू आप यूनिफॉर्म कंपोजिट करते हैं सॉल्यूशंस को. तो सॉल्यूशन जितने भी हैं वो यूनिफॉर्मली कंपोजिट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. दोनों के मिकदार, सब्सटेंस के मिकदार इक्वली एक दूसरे के हिसाब से बढ़ाई जाती है. कोई यहाँ पे अगर साल्ट प्लस वाटर का अगर आपको बनाना हो, पानी को थोड़ा नमकीन करना हो, साल्टेड वाटर चाहिए आपको या लाइम वाटर चाहिए, तो आप पानी के हिसाब से साल्ट को डालोगे ना. ऐसा तो नहीं है कि साल का पूरा डब्बा डाल दोगे. तो दिस इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये कहलाती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक चीज के मिकदार से दूसरी चीज को बढ़ाना. खैर, ये हुआ आपके पास थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनी और आपने एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया और उससे मिलकर बना एक सोल्यूशन. क्या बना? सोल्यूशन. अब नेक्स्ट हमारी टाइप है स्टूडेंट्स एक्वस सोल्यूशन. लेट्स स्टडी अबाउट एक्वस सोल्यूशन. स्टूडेंट्स एक्वस सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने से पहले आपको दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा दूं जो मैंने इसके बाद में लिखे. ठीक है, इसके बाद में लिखे, जिसको हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं सॉल्यूट, दूसरे को कहते हैं हम सॉल्वेंट. कीप इन माइंड सॉल्यूट वो होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लेसर अमाउंट में होता है. किस अमाउंट में होता है? लेसर अमाउंट में होता है. और सॉल्वेंट वो होता है जो किसी भी अमाउंट के अंदर ग्रेटर अमाउंट में होता है, ज्यादा मिकदार में होता है. जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चार सॉल्यूशन बनाए हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 मेरे साथ साथ रहे साल्ट शुगर ग्लूकोज अल्कोहल. क्या मैं इन चारों की जो मिकदार है वो पानी से ज्यादा रखूंगा? नेवर. लाजमी सी बात है साल्ट शुगर ग्लूकोज अल्कोहल पानी की मिकदार से लेसर अमाउंट में होंगे और पानी जो होगा इन चारों एग्जांपल में ग्रेटर अमाउंट में होगा. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सब्सटेंस ग्रेटर अमाउंट में हो उसको हम सीधा सीधा सॉल्वेंट बोलते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन के अंदर लेसर अमाउंट में हो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. सो इन द गिवन एग्जांपल्स जो कि चार के चार दिए हैं, साल्ट शुगर ग्लूकोज अल्कोहल, दीज आर सॉल्यूट. एंड चारों में चूंकि वाटर सेम सॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई मैं इसको कहूंगा दैट इज सॉल्वेंट, जो कि ग्रेटर अमाउंट में है, जो कि ग्रेटर अमाउंट में है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अ सब्सटेंस एंड
lesser amount. अब हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। जैसे गर्मियों में आप जमशीरी डालते हो पानी के अंदर, तो आप देखते हो उसका जस्ट एक स्पून ऐड करते हो पानी के अंदर, ऐसे ही है एक होमोजीनियस मिक्सर बनाने के लिए। तो उसके अंदर ग्लूकोज क्या हुआ, सॉल्यूट, और वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट। तो ग्लूकोज को हम बड़े लेसर अमाउंट में डालते हैं, 1 या 2 स्पून ऐड करते हैं, ठीक है जी, पानी की मिकदार के हिसाब से एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाने के लिए हम उसमें ग्लूकोज के। तो जो सॉल्यूशन बनता है ये तो बनता है लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड एंड लिक्विड, क्योंकि जो आपके पास जमशीरी की बॉटल है वो भी लिक्विड में मिलती है और प्लस पानी भी लिक्विड है, तो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। अब आप देखते हो कि आप सम टाइम शुगर को ऐड करते हो पानी के अंदर, ठीक है, उसमें आप या चाय बनाते हैं, ठीक है, तो दूध जो है वो लिक्विड है, उसमें आप जो चाय और पत्ती ऐड करते हो वो आप सॉल्यूट के तौर पे ऐड करते हो, और जो चाय का मिल्क या लिक्विड है वो सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है। तो आप एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाने के लिए आप उसमें चाय और पत्ती ऐड करते हो एज अ सॉल्यूट, जिससे मिलके बनता है एक होमोजीनियस आपका मिक्सर का सॉल्यूशन बनता है थ्रू आउट सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। इसी हिसाब से जो मैंने आपको चारों एग्जांपल दिए, इन चारों एग्जांपल में आपके पास जो वाटर है दैट इज सॉल्वेंट, और यहाँ पे ये जो वाटर है ये है ग्रेटर अमाउंट में अ सब्सटेंस इन ग्रेटर अमाउंट। स्टूडेंट्स आप ऊपर वाली उस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जिसको हमने छोड़ा था, जो मैंने कहा था कि आपको मैं लास्ट में बताता हूं एक्वस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स जो एक्वा वर्ड बना है ये बना वाटर से, क्या बना है, वाटर से, बल्कि अगर आपने नोट किया हो तो एक्वा के नाम से एक वाटर की कंपनी भी काम कर रही है जो बॉटल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो एक्वा बना है वाटर। आप देखो चार जो एग्जांपल्स नहीं है मैंने, चारों के अंदर जो ग्रेटर अमाउंट में मौजूद है दैट इज वाटर, ये हुआ सॉल्वेंट, और इन सब में वाटर क्या है, वाटर एक एक्वस सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, वो तमाम सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट हो, वाटर इज अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट हो, वो तमाम सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है जी। इन चारों एग्जांपल्स के अंदर पानी जो है वाटर एज अ सॉल्वेंट है, बाकी सब चीजें एज अ सॉल्यूट है, तो वाटर हुआ सॉल्वेंट और ये तीन चारों कंपोनेंट हुए सॉल्यूट। इसको ये बात समझना आई हो, सिंपल इज दैट वो तमाम चीजें जो पानी में लेसर अमाउंट में डिजॉल्व की जाती है, ठीक है, उन तमाम चीजों के लिए पानी होता है सॉल्वेंट, क्या होता है, सॉल्वेंट, और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि ये मैक्सिमम सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है, तो मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हुए होते हैं। आप अगर समुद्र का पानी चेक करें तो आपको बिल्कुल प्योर ट्रांसपेरेंट पानी नजर आता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर टेस्ट करें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ छोटे छोटे सॉल्यूट्स उसमें डिजॉल्व होते हैं जो मिसिबल होते हैं उसके अंदर समंदर के पानी में। और वैसे भी पानी को जब इंडस्ट्रिकली या लेबोरेटरी चेक किया जाता है तो वो मैक्सिमम सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिजॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है, दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो एक्वस सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन in which water is a solvent, water is solvent जी, a solution in which। तो हमने basically चार statements सीखी आज। solution क्या है जी, एक homogeneous mixture, एक same phase mixture, किस चीज का, substance का जिसकी uniformly composition हो throughout वो solution कहलाता है। फिर हमने कहा कि हर सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मिलके बनता है, एक सॉल्यूट से और एक सॉल्वेंट से। सॉल्यूट वो जो लेसर अमाउंट में होता है किसी सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट वो जो ग्रेटर अमाउंट में होता है, जिसकी प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखी कि हम जो घरों में सॉल्वेंट बनाने के लिए छोटे छोटे मसाला जात ऐड करते हैं टेस्ट बनाने के लिए, दीज आर सॉल्यूट, दीज आर
सलूट। इसी हिसाब से आप कीर बनाते हो, कस्टर्ड बनाते हो, उसमें जो हल्दी टेस्ट बनाने के लिए आप उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट ऐड करते हो, हम एज अ सलूट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? सलूट। तो हमने देखा कि जो लेसर अमाउंट में ऐड होती है दीज आर सलूट, और जो ग्रेटर अमाउंट में आपके पास ऐड होती है दीज आर सॉल्वेंट्स। और फिर हमने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें पानी जो है एज अ सॉल्वेंट होता है, और बाकी जो सलूट उसमें डिजॉल्व हुई होती है वो लेसर अमाउंट में होती है, और वाटर उसमें हमेशा एज अ सॉल्वेंट होता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक्स।